कर हिस्ट्री क्लास। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एम ए बी एड, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एच एस एस नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और यूनिट हमारा 14वां है, अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन वाला यूनिट। और आज का है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। तो ये इस यूनिट के सिलेबस में है। टू सॉल्व द पॉलिटिकल टेंगल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द वायसराय ऑफ इंडिया इन मार्च 1946। तो लॉर्ड माउंटबेटन को 1946 में हिंदुस्तान का वायसराय बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ऑन हिज अराइवल इन इंडिया ही हेल्ड इमीडिएट नेगोशिएशन विद डिफरेंट पार्टी लीडर्स। तो उसने नेगोशिएशन किया, बातचीत की डिफरेंट पार्टी के साथ। ही प्रपोज द माउंटबेटन प्लान ऑन जून 3, 1947। तो जून 3, 1947 में उसने अपने एक प्लान बनाया। इट्स साइलेंट फीचर हुआ एज फॉलोज, द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इंटू टू डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। सेकंड पॉइंट था, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंस कुड बी डिसाइड टू विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द प्रोविंस वुड जॉइन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए प्रोविंस कुड डिसाइड टू विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रोविंस वुड जॉइन। लेजिस्लेटिव असेंबली यह फैसला करेगी कि वो किस प्रोविंस में रहना चाहते हैं, किस प्रोविंस में ज्वाइन करेंगे। द प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड WFP टू असर्टन वेदर द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस वांटेड टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस थे उनको भी चॉइस कि उनके लिए चॉइस रखी गई कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन इन स्पेशल मीटिंग। तो सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली भी खुद डिसाइड करेगी किसके साथ रहना चाहती है। द रेफरेंडम वुड बी हेल्ड इन साइलेंट, प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, वेदर टू जॉइन ईस्ट बंगाल और टू रिमेन विद आसाम। तो आसाम में जो डिस्ट्रिक्ट थे कुछ, क्या वो इंडिया में रहना चाहते हैं या ईस्ट बंगाल में। द गवर्नर जनरल वुड प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ एसरटेनिंग द विल ऑफ द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के लोगों के लिए भी विल रखी गई, किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। द बाउंड्री ऑफ कमीशन वुड बी सेटल द बाउंड्री ऑफ द टू डोमिनेंस इन केस ऑफ पार्टीशन वॉज डिसाइडेड अपॉन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने के लिए फैसला किया गया कि इनकी बाउंड्री लाइन बनाई जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनेंस वुड डिसाइड वेदर द रिमेन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आर नॉट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों देशों की, क्या वो कॉमनवेल्थ में रहेगी या नहीं। द ट्रांसफर ऑफ पावर वुड टेक प्लेस नॉट इन जून 1948 बट मच अर्लियर देन दैट। तो पावर उनको जून 1948 से पहले ही उनको दे दी जाएगी। ये माउंटबेटन प्लान की घोषणा थी। माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बोथ बाय द कांग्रेस एंड द लीग। ऑन इट्स बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह 1947 का एक एक्ट पास किया गया, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। और ब्रिटेन पार्लियामेंट में यह फैसला किया गया कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद किया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इंडिया वुड बी पार्टीशन इंटू टू पार्ट्स, इसके दो भाग होंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट पंजाब एंड बंगाल वुड बी ऑल्सो पार्टीशन, बंगाल और पंजाब के दो दो भाग होंगे। ऑन द बेस ऑफ दिस प्लान द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट इन जुलाई 1947। जुलाई 1947 में एक एक्ट पास किया गया इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। The proclamation was made by the partition of India into two independent countries, namely India and Pakistan. For the partition of Punjab and Bengal, the two border commission were set up under the chairmanship of Carol Radcliffe. तो रेडक्लिफ की क्यादत में 30 जून 1947 को एक कमीशन बनाया गया जिसमें वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो भाग करेंगे। The first border commission was to partition Punjab. और ये कमीशन पहले पंजाब के दो भाग करेगा एंड हैड 4 मेंबर्स नेमली, उसमें 4 मेंबर बनाए गए, दीन मोहम्मद, मोहम्मद मुनीर, मेहरचंद, महाजन एंड तेजा सिंह। इट्स
इट हैड इट्स ऑफिस इन लाहौर, इनका ऑफिस लाहौर में था। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन 12 अगस्त 1947। अकॉर्डिंगली पंजाब वॉज पार्टीशन इंटू टू पार्ट्स, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब। द सेकेंड बॉर्डर कमीशन वॉज टू पार्टीशन बंगाल, और सेकेंड कमीशन जो था वो बांग्लादेश बंगाल के दो भाग करेंगे। हैड बिगन फोर मेंबर्स, इसके भी चार मेंबर थे, नेमली एस सी रहमान, सलाम मोहम्मद अकरम, सी सी विश्वास एंड बी के मुखर्जी। इट हैड इट्स ऑफिस इन कलकत्ता, इनका ऑफिस कलकत्ता में होगा। इट्स मेजर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन 9 अगस्त 1947। द पार्टीशन बंगाल इंटू टू पार्ट, नेमली ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनेगा। ईस्ट बंगाल वॉज गिवन टू पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल वॉज गिवन टू इंडिया। ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया को दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।